we've lost far more lives to terrorism than India has. Why would we want our own people to suffer? As far as India is concerned, I'd like to remind the Minister for External Affairs that Osama bin Laden is dead, but the Butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उनको गुजरात का कसाई भी कह डाला। न्यूयॉर्क में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने सारी हदें पार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री पर ये अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद से ही दुनिया भर में रोष देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान के मंत्री इस कदर भड़क गए कि उन्होंने पीएम मोदी पर निजी हमला बोल दिया और कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। आपको बताते चले, संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे भुट्टो ने एस जयशंकर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाते हुए टीका टिप्पणी करते हुए भुट्टो ने कहा कि दोनों भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास करने के बजाय उनके कातिल के सिद्धांतों में विश्वास रखती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। बता दें आपको, पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसको लेकर बिलावल भुट्टो ने भारत को जिम्मेदार बताया और कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से सपोर्ट मिल रहा है और बाहरी तत्व बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अपनी कमियों को छुपाने के लिए बिलावल भुट्टो भारत पर ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और अभद्र बयान देते हुए नजर आए। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के मंत्री उस वक्त बौखलाए हैं जब भारत के विदेश मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई गई थी। उसके जवाब में ही ये सारी बातें बोली गई हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। जयशंकर ने कहा था, जिस देश ने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, कम से कम उसे तो उपदेश नहीं ही देने चाहिए। बस इसी से भड़के हुए, बौखलाए हुए भुट्टो ने ऐसी ऐसी बातें कह दी, प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे निजी हमला कर दिया कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और बिलावल भुट्टो के माफी मांगने की मांग की जा रही है। बिलावल भुट्टो का विरोध भारत में भी हो रहा है। उनके इस बयान की कड़ी निंदा हर भारतीय कर रहा है और उनके माफी मांगने की बात कर रहा है। बहरहाल, बिलावल भुट्टो ने बौखलाते हुए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।